हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि समर्स चालू है और गर्मियों में ठंडी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुल्फ़ी बनाना। उसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध। मैं इस वक्त चार लोगों के लिए कुल्फ़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध। आप और ज़्यादा ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाने हैं। उसके बाद हमें चाहिए कुछ बादाम और कुछ काजू, मतलब हेल्दी आइसक्रीम बनाना है ताकि नुकसान भी ना करे ठंडी चीज़ें, तो ये इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके बाद हमें चाहिए रोज़, मतलब फ़्लेवर के लिए वैनिला एसेंस या जलेबी एसेंस, मतलब जो भी आपको फ्लेवर के चाहिए वो आप लीजिए। यहाँ पर मेरे पास तीन है, मैं देखती हूँ कौन सा यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बासुंदी पाउडर और कुल्फ़ी पाउडर, मीन्स ये मोल्ड आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको दूध को उबाल लेना है अच्छी तरह से, इसे दूध को गाढ़ा करना है, और उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स जो हैं काजू बादाम को ग्राइंड कर लेंगे, बारीक इस तरह से पीस लेंगे अच्छी तरह से। पीसने के बाद हम जो हमारा मिल्क है जो हमने गैस पे रखा है उसे चलाते रहना है, और ये जो आइसक्रीम का आप सांचा देख रहे हैं इसके अंदर हम कुल्फ़ी बनाएंगे। तो जब दूध उबलने लगे तो उसके अंदर हमें डालना है शक्कर। शक्कर आप अपने मीठा, मतलब जितना आप मीठा खाते हो उस हिसाब से डालिए, और जो मिल्क है उसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए। दूध आपका हल्का गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कुल्फ़ी पाउडर और थोड़ा बासुंदी पाउडर। बासुंदी पाउडर डालने से एकदम मतलब बाजार जैसा टेस्ट आता है कुल्फ़ी में, तो इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है आपको, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। ड्राई फ्रूट्स के पाउडर जो है आप मीन्स देखिए आपको कितना थिक चाहिए उस हिसाब से डालिए। उसके बाद हम डालेंगे कुछ एसेंस, मीन्स कलर के लिए। तो हमने इसमें जलेबी और वैनिला एसेंस दोनों मिक्स किया है ताकि कुल्फ़ी का कलर बहुत अच्छा आए, एकदम बाजार जैसा हो, इसलिए हमें इसे डालने के बाद भी कंटिन्यूसली 10 मिनट तक चलाते रहना है। अब ये हमारी कुल्फ़ी एकदम, मतलब इसका जो बैटर है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम इसे सांचे में डालेंगे, इसे हल्का ठंडा करके तभी डालना है, और इसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से मीन्स ऊपर जो भी अगर लगा हो तो धो लीजिए, और इसके बाद इसे हमें फ्रीज़र में रखना है कम से कम 3 से 4 घंटे। तो रखने के बाद अब चलिए चेक करते हैं। तो देखिए हमारी कुल्फ़ी रेडी है, बाज़ार जैसी एकदम, और टेस्ट में भी एकदम बाज़ार जैसी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।